हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो मेरे क्लाइंट के एस्पिरेंट्स? कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एंड देन द रोड मैप टू एनालूज। एनालूज का रास्ता निकलता कहाँ से है? कैसी जिंदगी है वहां? क्या फायदे हैं एनालूज जाने के? क्या चीजें हैं? वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिसको बहुत सारे बच्चे जो है मिस कर देते हैं? वो आपको नहीं मिस करनी क्योंकि आप मेरे साथ हैं। चलिए, सो आज का जो ये सेशन है ना, इट इज मोर अबाउट मी। वैसे मैं खुद के बारे में बात करना पसंद नहीं करता हूं, बट आज आप मुझे जान पाएंगे। आज आप मेरे बारे में बहुत सारी चीजें सुन पाएंगे, ठीक है? सो आई वुड टॉक एवरीथिंग अबाउट मी, हाउ एवरीथिंग हैपन टू माई लाइफ, हाउ दिस लॉ, ठीक है? एंड एवरीथिंग वॉट एवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सारी चीज बताने की कोशिश करता हूँ कि लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है? सो टू बी प्रिसाइसली, आई टेल यू गाइज, यू आर टॉकिंग टू मिस्टर विजेंद्र सिंह। सो सबसे पहले आपके बारे में आपको मैं बता दूं, मेरा नाम जो शुरुआत में जब पैदा हुआ था तब मेरा नाम क्या था? मेरा नाम था रुद्र प्रताप सिंह, ये मेरा नाम पहले था। बट पंडितों ने लेटर ऑन रुद्र प्रताप सिंह जो मेरा नाम था उसको बदल के जो है पंडित जी ने कहा कि वी के अक्षर से जो है इनका नाम होना चाहिए, वो इनके लिए बेहतरीन होगा, इस परिवार के लिए भी बेहतरीन होगा। सो मेरे फादर ने मेरा नाम विजेंद्र सिंह चौधरी रख दिया। एंड देन आई एम ए सिंगल चाइल्ड, ठीक है? और आप सोचिएगा ये मैंने क्यों बोला, बिकॉज आई हैव टू सिस्टर्स एंड बोथ ऑफ माई सिस्टर्स आर टू ओल्ड टू मी, ठीक है? लाइक वन ऑफ माई सिस्टर शी इज 42, वन ऑफ माई सिस्टर शी इज 45, ठीक है? मुझसे बहुत बड़ी है, इनके बच्चों की शादी होने वाली है, इतनी बड़ी है। सो हम में बहुत गैप था, मैं बहुत बाद में पैदा हुआ। बट एट द एज ऑफ 6.5 ईयर्स, एट द एज ऑफ 6.5 ईयर्स, आपने फिल्मों में देखा होगा लेकिन मैं रियलिटी आपको आज दिखाता हूं। मैं 6.5 साल का था जब मैं पहली बार हॉस्टल गया। आज आज शायद आप मेरी सिर्फ कुछ बच्चे हैं जो मेरे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम देखते हैं, बोलते हैं सर आपके पास ये है वो है ऐसा है वैसा है। यार देखिए, स्ट्रगल किया है मैंने उसके लिए, है ना? सो आई वॉज वेरी मच वेरी चाइल्ड, एक बच्चा होता है छोटा, 6.5 साल का बच्चा क्या होता है, उसे शायद अच्छे से जो है टॉयलेट और पॉटी जाना भी नहीं आता उस टाइम पे। सो वो एज थी जिसके अंदर माई डैड वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही एडमिटेड टू ए हॉस्टल। आई स्टडीड फ्रॉम, अगर किसी ने नाम सुना है तो पता नहीं, बट बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, किसी ने नाम सुना है इसका? सो यस, ठीक है? सो मैं सबसे पहला जो मेरा स्कूलिंग था, मैंने फर्स्ट क्लास से लेके एंड 10th क्लास तक जो है बिरला पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। एंड देन आई वेंट टू डीपीएस फॉर माई 11th एंड 12th। वेन आई वॉज इन माई स्कूलिंग आई वॉज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है? मैं खेलों में बहुत अच्छा था, इनफैक्ट आई वॉज टॉपर इन माई क्लास एज वेल, पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, ठीक है? सो आई हैव प्लेड फॉर राजस्थान टीम, आई हैव प्लेड फॉर राजस्थान टीम इन हैंडबॉल, आई एम ए नेशनल प्लेयर इन हैंडबॉल, ठीक है? सो मैंने नेशनल्स खेले हैं, मैंने सीबीएसई क्लस्टर्स खेले हैं एंड देन आई वेंट टू स्टेट एंड देन नेशनल्स, ठीक है? और वहां पे एक अलग जुनून था उस समय पे, उस एज के अंदर, एंड आई वॉन्टेड टू गो टू एनडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जिस समय मैं 12वीं में था, देयर वॉज अ वन टारगेट इन लाइफ, ठीक है? वो क्या टारगेट था कि मुझे जो है एनडीए करना था, मुझे फोर्सेस में जाना था। एंड कुछ गाइडेंस थी नहीं, बिकॉज डाउन द लाइन इट्स ए स्टोरी ऑफ 2010, मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। उस समय इतना कुछ गाइडेंस था नहीं,
ना यूट्यूब पे इतनी इन्फॉर्मेशन थी, ना लोगों ने इतना समझाया, प्रिपरेशंस भी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई. आई जस्ट गेव द एग्जाम, आई कुड नॉट क्वालिफाई इट, मेरे से एग्जाम क्रैक नहीं हुआ. एंड देन आई टोल्ड माई डैड कि मुझे कमर्शियल पायलट करना है. हैव यू एवर हर्ड अबाउट कमर्शियल पायलट? सो कमर्शियल पायलट्स क्या होते हैं? जो प्राइवेट एरोप्लेन्स होते हैं उनको जो चलाते हैं, दे आर बेसिकली नोन एज कमर्शियल पायलट्स. तो मुझे कमर्शियल पायलट बनने का था, तो मैंने डैड को बोला. तो मेरे ब्रदर हैं जो कि एनएसजी में कमांडो है, ये अभी तो उनका टाइम हो चुका है, वो एनएसजी से अब आ चुके हैं, रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने. बट इस टाइम पे जब मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, तो ये पालमपुर पोस्टेड थे, दिल्ली के अंदर पालमपुर के अंदर एनएसजी का कैंप है, वहां पे ये पोस्टेड थे. मेरी बुआ के बेटे हैं, ये एनएसजी कमांडो रहे हुए हैं. तो मेरे डैड ने उनके पास भेज दिया, बोला यार इसको थोड़ा सा समझा. ये एनएसजी कमांडो थे तो उस टाइम पे क्या था कि आपने रेस उस समय एकदम ताजा ताजा बेसिकली जो है हाईजैक एंड ऑल का वो सारा चीज था. तो उस कारण से क्या होते थे कि देयर यूज्ड टू बी मार्शल्स, उस समय पे कुछ मार्शल्स हुआ करते हैं. ये मार्शल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली एनएसजी के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज होते हैं, ठीक है. ये क्या करते हैं, ये फ्लाइट के अंदर एक नॉर्मल अटेंडेंट की तरह जाते हैं, जैसे एक नॉर्मल फ्लाइट के अंदर आदमी जाता है, जैसे आप और मैं जाते हैं, ये भी उसी तरीके से जाते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी के लिए जाते हैं, ठीक है. तो ये पूरा आर्म्स एम्यूनेशन गन वन सब लगी होती है इनके अंदर, और फिर ये वहां बैठ के जो है सिर्फ ट्रैवल करते हैं कि कोई हाईजेक वाईजेक ना हो जाए. सो ठीक है, मैं वहां, हाँ, गुड़गांव, वो पालमपुर, एंड दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज बाय ओनली. एनएसजी का बेसिकली पालमपुर के अंदर कैंप है एनएसजी का. सो ये सिक्योरिटी के लिए जाते हैं. तो इन्होंने क्या किया, ये मुझे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेके गए, और वहां पे इंडिगो, नहीं, वो इंडिगो नहीं थी, वो कंपनी का नाम था एयर एशिया. एक एयर एशिया नाम की फ्लाइट चला करती थी, अभी तो आई डोंट नो चलती है कि नहीं चलती है, ठीक है. सो एयर एशिया की फ्लाइट के एक पायलट थे, उनसे मुझे मिलवाया. एंड ही वॉज अ साउथ इंडियन गाय, जिससे जिस पायलट से मैं मिला था, ही वॉज अ साउथ इंडियन गाय एंड ही रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स. वो इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, गुजरे वैसे सर, अब कौन से. सो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप कमर्शियल पायलट का लाइसेंस कर लोगे, लगभग 50 लाख रुपीज से लेके 1 करोड़ रुपए लग भी जाएगा, लेकिन आपकी जॉब जो है वो इनसिक्योर रहेगी. क्यों? क्योंकि बोले बहुत कमर्शियल पायलट करके बैठे हैं, पैसे वाले लोग हैं खूब, जिनके पास खूब पैसा है, और वो लोग जो है बेसिकली कर करके यहाँ पे बैठे हैं, आपको कोई फायदा नहीं होगा. एंड आई केम टू नो यार, वाओ, ये तो बहुत गलत है, और अपना एनडीए हुआ नहीं. देन वन वेरी गुड डे, खुद से ही मैं कार चला रहा था, और मेरी कार के आगे एक कार चल रही थी, ठीक है. सो आई हैड i10, और मेरे आगे जो चल रही थी वो वर्ना कार थी, और इस कार के जो है बेसिकली आगे जो एक बाइक थी उससे टच हुई, और उसके बाद उसके अंदर से जो एक आदमी निकला, उस आदमी ने जो है उस आदमी को झाड़ दिया, बाइक वाले को. मैं उतर के देख रहा था क्या हो गया है, क्योंकि पूरा जैम कर दिया उसने, बीच रोड पे रोक दी गाड़ी. पुलिस वाला आया, और पुलिस वाले ने, जबकि गलती किसकी थी, इस कार वाले की थी, उसके बावजूद इसको झाड़ दिया, और पुलिस वाला भी इसी को ही झाड़ रहा है, इसकी गलती नहीं है, फिर भी इसको झाड़ रहा है. मैंने कहा यार ये शख्स है कौन, नॉर्मल आदमी दिख रहा था यार, लेकिन उसके कांच के पीछे एडवोकेट लिखा था, ठीक है. फिर मैंने रिसर्च किया, ठीक है, कि यार एडवोकेट लिखा है मतलब इतना पावर होता है क्या, मतलब एडवोकेट लोगों से पुलिस वाले बहुत डरते हैं, बहुत बहुत डरते हैं, है ना. सो आई थॉट कि यार नहीं, क्योंकि मैं हमेशा पावर का भूखा था यार, बिकॉज माय मॉम शी इज अ पॉलिटिशियन, ठीक है. सो मैंने पॉलिटिक्स देखी है, पॉलिटिक्स में क्या पावर होता है क्या नहीं होता है मैंने देखा है, है ना. सो मुझे वो पावर नहीं चाहिए था जो कि 5 साल का हो फिर चला जाए, फिर आपको फिर से उस पावर को पाने के लिए लड़ना पड़े, फिर आए. आई थॉट कि यार लॉयर इज बेस्ट, ठीक है.
देन आई डिस्कवर्ड एन आइडिया ऑफ एडवोकेट कि मुझे एडवोकेट बनना है. और जब ये सब मैंने सोचा तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 महीना बचा था. ठीक है, एक अनाउंसमेंट आ रहा है, एक अनाउंसमेंट सुनते हैं, उसके बाद में इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं. सो ये है आपका टारगेट एनालिस्ट 2.0. अगर आप ड्रॉप आउट हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं विद द कोड विजय5. और अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं स्पार्टन्स. ठीक है, इस बैच में स्पार्टन्स में मैं पढ़ाता हूं. सो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरे पेट के बच्चों को पता है वी हैड ओनली 45 डेज टू यू नो प्रिपेयर फॉर टिपिकली फॉर क्लैट एंड मेकिंग माय स्टडी प्लान एंड एवरीथिंग. आई स्टार्टेड माय स्टडीज एंड एवरीथिंग. ठीक है, लेटर ऑन वन वेरी गुड डे, इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 10:30 इन द नाइट, 10:30 PM के लगभग का टाइम हो रहा था. एंड आई वॉज lying on a bed and having my phone with me, and there was one of my dad's friend, he came inside and he asked me ki like kya karte ho. So I was like CLAT ki taiyari karta hu. Acha, CLAT common law admission test ki? Like, yes. Well, okay fine. So I think beta tumhare jaise bacche ye exam ki taiyari nahi karte hain. Jo is exam ki taiyari karte hain unki raaton ki neend jo hai wo unhe aati nahi hai. और तुम्हारा अभी सिर्फ 45 डेज बचा है और तुम बढ़िया मोबाइल चला रहे हो और सो रहे हो. लिटरली यार, मतलब एक होता है ना, आपको आपको ट्रिगर पॉइंट मिलना चाहिए. आपकी लाइफ का एक ट्रिगर पॉइंट हमेशा होता है, राइट? एंड दिस ट्रिगर पॉइंट विल, व्हाट इट विल डू इज इट विल शूट, ये शूट करवाता है आपसे. आपकी ग्रोथ जो है ना, ये ग्रोथ यहां से नहीं, एकदम ये जो ग्राफ चल रहा है ये बेसिकली ऐसे ग्रोथ कराता है जिस टाइम आपका ट्रिगर पॉइंट किसी ने हिट कर दिया. हैव यू एवर थॉट ऑफ योर ट्रिगर पॉइंट? आपका क्या ट्रिगर पॉइंट है कभी आपने सोचा है? क्या कभी किसी को किसी की इंसल्ट फील हुई आपको? कभी किसी ने ऐसा बोला है? सो जो ये बेसिकली जो ट्रिगर पॉइंट होता है ना, ये कई बार आपकी इंसल्ट के कारण भी होता है. इस इंसल्ट को नेगेटिवली नहीं लेना है, ठीक है? इस इंसल्ट को आपने जिस दिन नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव का मतलब जिसने आपको बोला आप उससे बदला लेने चले गए, ये नेगेटिव इंपैक्ट है. पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव इंपैक्ट ये होगा कि आप उस दिन कसम खा लो कि मैं इस इंसान को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं हूं कौन. सो ये एक कुछ लोग होते हैं, ये 70% लोग हैं जो इसको नेगेटिवली लेंगे, रोएंगे, अरे यार मेरे को उसने ऐसे बोल दिया. और सिर्फ 30% होंगे जो ये कहेंगे खुद से, उसने मुझे ऐसे कहा कैसे, उसने मुझे ऐसा कहा कैसे, अब मैं उसे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं. और आप अपना दिन रात एक कर देते हैं, मेहनत करते हैं, दिल लगा के मेहनत करते हैं. भाई साहब सच बता रहा हूं, उस रात है ना, आपके जो इस सर आपके सामने बैठे हैं ना, मुझे उस रात नींद नहीं आई. क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी के सामने मेरी इज्जत जो है ना, मैं किसी के सामने भी मेरी इज्जत डाउन हो जाए आई डोंट केयर, लेकिन मेरे डैड के सामने मेरी जो आईज है ना वो कभी झुक ना जाए, ये हमेशा से मेरी कोशिश रही. और उस दिन मेरे पापा ने जो मुझे देखा, मुझे शर्म आई, लिटरली मुझे शर्म आई. मैंने कसम खा ली यार कि अब तो एक ना एक दिन इतना बड़ा आदमी बन के दिखाना है कि कुछ भी हो जाए कोशिश पूरी करेंगे. अरे रात दिन पढ़ाई की, फोन वोन सब बंद, दोस्तों से मिलना जुलना सब खत्म, दिल लगा के पढ़ाई की, बट स्टिल आई कुड नॉट मेक इट गाइस. ठीक है, मुझे टॉप 5 एनालिस्ट नहीं मिले. नाउ व्हाट? देखिए, इन लाइफ यू विल गेट सक्सेस, इन लाइफ यू विल गेट फेलियर्स. जो फेलियर से डर के रुक जाते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, और जो सक्सेस के नशे के अंदर भी चूर हो जाते हैं ये भी आगे नहीं बढ़ पाते. सक्सेस के साथ आपको
सक्सेस के साथ आपको सेटल रहने की जरूरत है और फेलियर के साथ आपको लेसनिंग की जरूरत है। आपको यहां से लेसन सीखना है कि मैं कहां गलत रह गया। ठीक है, सो मुझे एनएलयू नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। आई आज मेनी पीपल, सबसे मैंने बात बात की एंड दे टोल्ड मी कि आप ऐसा करिए, आप बेसिकली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से आप लॉ करिए, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है एंड अगर आप कॉरपोरेट में जाना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन अभी क्राइस्ट और उस टाइम पे निर्मा भी बहुत अच्छा था एंड सिम्बायोसिस। बोले ये इंस्टीट्यूट अच्छे हैं जिस लेवल के आपको एनएलयूज मिल रहे हैं उनसे। ठीक है, सो आई सेड ओके फाइन। मैंने BA LLB जो है मेरा ये क्राइस्ट से किया। ठीक है, एंड जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद में जिंदल वॉज नॉट गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, उस समय पे जिंदल अच्छा नहीं था, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव इन टू पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड ऑल दीज इंटरनेशनल UN पार्लियामेंट्री डिबेट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो आई ट्राइड फॉर माई LLM एंड देन आई वेंट टू NLSIU बैंगलोर। जाना तो था, मतलब NLSIU घुसना तो था भैया, वहां से घुस गए। NLSIU से मैंने इंटरनेशनल लॉ के अंदर डिप्लोमा भी किया, इंटरनेशनल लॉ में से। ठीक है, एंड फिर वो जो जर्नी होती है। ठीक है, देन आई वॉज इन माई फाइनल ईयर है ना, एंड मेरी जॉब लगी एक्सेंचर कंपनी में। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट दिस? बेटा इंटरनेशनल लॉज में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये आपके जितने भी IPRs हैं, जो आप WTO देखते हो, फ्री ट्रेड देखते हो, ये जितना कुछ भी है ना, ये सब इंटरनेशनल लॉ के अंदर हमें पढ़ाया जाता है। ताकि आप, क्या होता है कि व्हेन यू हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट्स विद फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्री को भी तो इंडिया के अंदर एक ऐसा पर्सन चाहिए ना जिसको वहां के लॉज जो है उनसे वो अबाइड करता हो। सो आप इंटरनेशनल लॉ करके आप फॉरेन की कंट्रीज के कंपनीज में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। ठीक है, सो एक्सेंचर कंपनी जो है, यहां पे मैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर की मेरी जॉब लगी। ठीक है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय सैलरी वाज 42,000 रुपीज। ठीक है, सो जब ये सब हुआ, जॉब स्टार्ट हुई, तो फिर मेरा एक फ्रेंड था सागर, और उसके फादर बहुत बड़े लॉयर हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि डू वन थिंग कि आपको जो है लॉ प्रैक्टिस करना चाहिए, लिटिगेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड आई केम टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट रितु भारद्वाज हैं, मैंने उनके अंडर प्रैक्टिस किया। शी इज AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो। बेसिकली प्रैक्टिस स्टार्ट की एंड इट वॉज रियली हैपनिंग रियली गुड, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी हुआ। देन आई केम टू राजस्थान, फिर मैं राजस्थान आ गया। राजस्थान आके मैंने प्रवीण सर के ऑफिस में वर्क स्टार्ट किया एज एन एसोसिएट एडवोकेट। ठीक है, एंड प्रवीण सर का ऑफिस जो है वो बेसिकली अपने जो वाइस प्रेसिडेंट सर हैं जगदीप धनखड़ सर, वो इसी ऑफिस से रहे हैं। ठीक है, सो मैंने उस ऑफिस में वर्क किया। एक दिन आई वॉज लिसनिंग टू रतन टाटा जी, मैं रतन टाटा जी की एक स्पीच सुन रहा था जहां पे उन्होंने मुझे एक्चुअली सोसाइटी के लिए, देश के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो टच कर गया। ठीक है, और लिटरली वो इतना टच कर गया, आई जस्ट क्विट माई जॉब, मैंने जॉब छोड़ दी एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। फिर उसके बाद से मेरा एक ही प्लान रहा कि यार मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, सब कर लिया है, एवरीथिंग इज फाइन, नाउ लेट अस क्रिएट सम गुड टैलेंट्स। अब टैलेंट्स को बाहर लाना चाहिए जो कि आगे और काम कर सके। सो
अभी मैं अकेला काम करूंगा, इट्स बेटर आई क्रिएट एन आर्मी. फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन एडुकेटर. ठीक है भाई. एंड बींग एन एडुकेटर, पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था क्लैक्यूटोर के अंदर, एंड देन फिर मैंने मैंने प्रिंस अकेडमी में पढ़ाया, और उसके बाद मैंने अड्डा 24/7 पे पढ़ाया, एंड देन आई केम टू अन अकेडमी. लेट्स क्रैक इट. ठीक है. सो दिस इज माई जर्नी, राइट. सो इफ आई से, जब मैं इस जर्नी के शुरुआत में था ना, उस समय मेरी भी चाह हुआ करती थी आईफोन यूज करने की, मेरी भी चाह हुआ करती थी बीएमडब्ल्यू चलाने की. ठीक है. लोगों को देखता था तो बहुत मन करता था कि यार शायद किसी दिन मैं भी खरीदूंगा. ठीक है. बेटा यूपीएससी मैंने लास्ट ईयर दिया है. अब यूपीएससी का क्या था कि दिस वॉज जस्ट ए टारगेट ऑफ लाइफ कि मैं एक बार यूपीएससी की तैयारी जरूर करूंगा. मैंने तैयारी की. बेसिकली यूपीएससी का मतलब आईएएस आईपीएस ही नहीं होता है. बहुत सारे बच्चों को लगता है यूपीएससी का मतलब वही होता है. ठीक है. नहीं बेटा, वो अब 16 का भी डबल का भी 1 times मोर हो चुका है. जब मैं आईएएस आईपीएस ही नहीं होता है, देर आर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स अंडर यूपीएससी. ठीक है बेटा. अब यहां पे एक और सेगमेंट है SFIO. ये आता है किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स. जैसे आपने देखा होगा बैंक के अंदर जो है, वैसे आपने सुना होगा पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, है ना. वैसे ही बैंक्स के अंदर भी एक अलग से भी जॉब निकलती है, एसओ, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स, राइट. सो उसी तरीके से SFIO में होता है. SFIO इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस. अब जिस तरीके से सीबीआई है, देखिए हर स्टेट में पुलिस है, लेकिन उसके बाद भी सीबीआई है ना. जब स्टेट्स की पुलिस नहीं कर पाती है कोई काम पूरा, तब सीबीआई आती है. उसी तरीके से कंपनीज के फ्रॉड के अंदर जो भी 1,000 करोड़ रुपीज से ऊपर का फ्रॉड करती है कोई भी कंपनी, उसको इन्वेस्टिगेट कौन करता है? उसे SFIO इन्वेस्टिगेट करता है. ठीक है. यस, पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर. सर हर किसी के एक बार यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, मैंने सुना ये सुना है ये. बिल्कुल, एक बार, बिकॉज ये आपको एक वेलबींग बनाता है. आप एक अच्छे सिटीजन बन पाओगे, इसके बाद आप कानून से लेके सारी चीजों की जानकारी रख पाओगे अपने पास में. ठीक है. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट. सो आई थॉट ऑफ कि आई थिंक इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी मैं उनको बोलता हूँ यूपीएससी, तो उन्हें लगता है कि मैंने प्री और मेंस क्लियर किया है, या फिर वो नहीं, मैंने स्पेशलाइज एग्जामिनेशन दिया है SFIO का. ठीक है. जिसमें पोस्ट आती है असिस्टेंट डायरेक्टर. एक अनाउंसमेंट आ रहा है, लेट्स सी दैट अनाउंसमेंट. यस, देयर इज एन अनाउंसमेंट सर, एंड हियर इज योर अनाउंसमेंट. कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जिसे आप परचेज कर सकते हैं विद द कोड विजय5. ठीक है. आप विजय5 कोड यूज कर सकते हैं, और अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं क्लैट के लिए, तो आप परचेज कर सकते हैं स्पार्टन्स बैच. ठीक है. सो अब मैं क्या बनूंगा? आई वुड बी द असिस्टेंट डायरेक्टर. ठीक है. मैं क्या बनूंगा? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनूंगा SFIO के अंदर. सो माई इंटरव्यू इज लेफ्ट आउट, जो कि May 16 अभी हाल फिलहाल के अंदर जो है हमारा स्केड्यूल्ड है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दैट. सो दिस इज हाउ इट इज. ठीक है. चलिए. सो अब कुछ चीजें हैं जो कि और आपको समझा दूं कि भैया, सो आप सैलरी, आपका सपना, आपके नीड्स, इन सब का एक ही रास्ता है, एंड दैट इज टुडेज हार्डवर्क. इट विल बी योर टुमोरोज पे बैक टाइम. ठीक है. राइट.
सो अभी आप मेहनत करेंगे तो भविष्य में आपको वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। मुझे मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा अब कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। मुझे मेहनत करनी थी, मैंने मेहनत की, मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम हुआ, इंटरव्यू, इट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, इट हैपेंस और इट डजंट हैपेंस डजंट बिकॉज राइट नाउ व्हाट एवर आई एम पेड ऑफ, जितना मैं पैसा लेता हूँ शायद उतना पैसा कोई भी सरकारी नौकरी मुझे नहीं दे पाएगी, ठीक है बेटा। इंटर्नशिप में पैसा नहीं मिलता है, बहुत कम इंटर्नशिप्स ऐसी होती हैं जहां पे आपको पैसा मिलता है। दे आर बेसिकली टू गिव यू गुड नॉलेज, राइट। सो इंटर्नशिप्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट गुड जॉब। चलिए अब कुछ स्टैटिक्स, कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप बेसिकली क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो क्लैट की तैयारी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मैं आज आपको दे रहा हूँ, वो इन टिप्स को कभी भूल मत जाना, ठीक है। ये टिप्स आपको वो टिप्स दे रहा हूँ जिससे आप एनएलयू की जर्नी पूरी कर सकते हैं। सी आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस, मैंने एक्सपीरियंस लिया है लाइफ में। वो एक्सपीरियंस ये कहता है कि क्या क्या गलतियां की, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें कौन पढ़ाएगा, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बहुत खुश हूं इसमें, जो मैं आज कर रहा हूं उससे मैं बहुत खुश हूं, सिर्फ सपना था पूरा करना था। सर आप सो बेटा सबसे पहली चीज जो की है वो है प्रैक्टिस रीडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए बिकॉज ये पूरा रीडिंग बेस्ड पेपर होता है। जितना पढ़ने की कोशिश कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ठीक है। आपकी ग्रामर और वोकैब बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बदल के नहीं आने वाला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर अच्छे से पढ़ लिए तो बहुत है, बहुत है भाई। अच्छे से अगर पढ़ लिया आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो आपको एग्जैक्ट इंग्लिश का आइडिया तो लग जाएगा कि इंग्लिश में क्या पूछने वाला है। बात करते हैं लीगल रीजनिंग की। तो यहां पे बेटा आपको बहुत छोटे छोटे से लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जैसे आपका टॉर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्राइम हो गया, फैमिली लॉज हो गए। ये सब वो लॉज हैं जो कि बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इनको रटना नहीं है, आपको इन्हें रटना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट समझने हैं, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात है वो है आपको केस लॉज। अब केस लॉज का क्या मतलब हुआ बच्चे, केस लॉज का मतलब है कि अभी रिसेंट के अंदर जो भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी करंट अफेयर के अंदर केस लॉज देख रहे हैं, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। जितने भी आप केस लॉज रोजाना देखते हो ये सभी केस लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से पैसेज बनता है। देन लेट अस टॉक अबाउट कि आप अब इसको और कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको आइडिया लगेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते होंगे कि दो ऑप्शंस हमेशा करेक्ट होते हैं। किस किस को ये फीलिंग आती है हमेशा जब आप लीगल सॉल्व करते हो, लीगल में हमेशा दो ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, ठीक है। एग्जाम पुअर स्टूडेंट से लॉजिक के बेस पे, बेटा नहीं, आप लॉजिकल के बेस के ऊपर एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते बच्चे, राइट। आपको जिस जिसको नहीं लगता है ना ऐसे कि दो ऑप्शंस हमेशा करेक्ट होते हैं तो वो इसका मतलब सही से लीगल पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि लीगल में हमेशा ही दो ऑप्शन करेक्ट होते हैं। ऐसे होगा, यस यस नो नो, तो या तो यस सही होगा या नो सही होगा। तो यस सही होगा तो दो करेक्ट हो गए, और नो सही हुआ तो दो नो सही हो गए, है ना। लेकिन इसके आगे रीजनिंग जो होती है ना ये मैटर करती है। अब ये कैसे जज करें कौन सी कौन सा सही है, ये आपको पीवाईक्यू से आइडिया लगेगा। पीवाईक्यू से आप समझ पाओगे कि भैया एज पर दी क्लैट कंसोर्शियम के हिसाब से कौन सा वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर होता है चूज करने के लिए, और आपके लिए आसान हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में मोर ओवर एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। सर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे बच्चों का सवाल है इसके साथ में, ठीक है। सो देखिए, जब आपके 30% तक की प्रिपरेशन हो जाए इसके बाद आपको मॉक स्टार्ट कर देने चाहिए, मॉक टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर देने चाहिए। ये क्यों कर देने चाहिए, इसके पीछे का रीजन मैंने रखा है। पहला तो ये एग्जाम का माहौल क्रिएट करता है, दूसरा ये आपको ऑफलाइन बाउंड में लेना चाहिए, टाइम बाउंडेड, मतलब अलार्म लगाओ 2 आवर्स का
और फिर अपना मॉक स्टार्ट करो, और ये 2 आवर्स का भी नहीं लगाना चाहिए, इसको हमेशा 1:50 लगाओ। 10 मिनट पहले मॉक खत्म करने की प्रैक्टिस करो। जितने भी मॉक्स प्रैक्टिस करोगे ना, इन सभी मॉक्स को कोशिश करो कि ये मॉक्स आपके कम से कम 10 मिनट्स पहले फिनिश होने चाहिए। ये हैबिट डेवलप करनी है अपने को, ठीक है? आगे बात करता हूं, मॉक्स के बाद में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिवीजन एंड डाउट क्लेरिफिकेशन। देखिए, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है, अपनी एक डाउट की बुक बनाओ, सॉरी नोटबुक बनाओ, और वहां पे अपना डाउट लिखो। जब भी आपकी क्लास होती है टीचर्स के साथ, अपने डाउट्स को रखो। ये बुक मेरी तरफ से रिकमेंडेड है सभी बच्चे को। जो भी बच्चा अपनी इंग्लिश बेहतर करना चाहता है एग्जाम के लिए, वो इस बुक को जरूर रेफर करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट एंड अदर मैनेजमेंट एग्जामिनेशंस। ये है अरुण शर्मा जी एंड मीनाक्षी उपाध्याय जी की, ठीक है? और इसका लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा। और साथ के साथ आप अपने आप को जो है बेसिकली स्ट्रॉन्ग कर लेंगे किसके अंदर, इंग्लिश, और अगर उसमें स्ट्रांग हो गए तो आप क्लैट के पेपर में ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हो। हाँ, इसमें देखिए, हाई लेवल आप ट्राई करोगे तो लो लेवल तो आप वैसे भी कर लोगे, राइट? वो तो आपको और आसान लगेगा। तो प्रिपरेशन हमारी थोड़ी हाई लेवल की ही होनी चाहिए, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज के सेशन के अंदर ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? सो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कम से कम 10 से 12 महीने की प्रिपरेशंस, स्ट्रिक्ट प्रिपरेशंस चाहिए आपको क्लैट में, अदरवाइज क्लैट क्वालिफाई करना आसान नहीं होता है। और सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, उन्हें बहुत सीरियसली लेना चाहिए इस चीज। चलिए, सो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच एवरीबडी। अब मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 10 बजे, हालांकि कल से। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।